Hello everyone. Now in this video we are going to discuss yet another very important topic of organic chemistry, and that is fission of covalent bond. Fission means breaking, and breakdown of covalent bond, when it will take place. So basically, till now in the previous videos we have discussed about displacement of electrons of covalent bond, but here we are going to discuss the ब्रेकिंग ऑफ और वी कैन से फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के टूट जाने के बारे में. तो कोई भी पुराना बॉन्ड कब टूटता है? जब कोई भी रिएक्टेंट किसी और स्पीशीज से रिएक्ट करने जाता है, तो उसके पुराने बॉन्ड टूट कर नए बॉन्ड बनते हैं. तो बेसिकली जब तक के पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं, नए नहीं बन पाएंगे. तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन बहुत ज़रूरी हो जाता है. और जब जब कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन होता है, तब तब हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज बनती हुई दिखती हैं. तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल. सो बेसिकली द टॉपिक फॉर द लेक्चर टुडे इज फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ये दो तरीके का होता है. पहला है होमोलिटिक फिजन और दूसरा है हेट्रोलिटिक फिजन. व्हेनेवर देयर इज अ होमोलिटिक फिजन, द रिजल्ट ऑफ दिस फिजन, इस फिजन की वजह से, मतलब इस तरीके के ब्रेकडाउन से कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा फ्री रेडिकल जनरेट होता है. मींस जब जब कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होगा, जो रिजल्ट होगा उसका, उसे फ्री रेडिकल कहेंगे. या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बराबरी से टूटता है तो वो फ्री रेडिकल्स बनाता है. जबकि अगर उसका हेट्रोलिटिक फिजन हो, तो जो स्पीशीज डेवलप होती हैं उन्हें चार्ज्ड स्पीशीज कहते हैं. और इनमें दो मेन इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, कार्बोकेटायंस और कार्बो एनायंस, यानी चार्ज्ड स्पीशीज बनेंगी हेट्रोलिटिक फिजन से. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट होमोलिटिक फिजन. फिजन का मतलब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन मतलब टूट जाना. तो होमोलिटिक वर्ड इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. तो होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक मीन्स ब्रेकडाउन. जहां भी केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में लिसिस या लिटिक वर्ड आता है, उसका मतलब हमेशा ब्रेकडाउन होता है, राइट? तो बेसिकली इस तरीके के ब्रेकडाउन में जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, उसमें जैसे हम अगर एग्जांपल लें क्लोरीन मॉलिक्यूल का, तो एसेंशियली जो होमोलिटिक फिजन है, ये होमो एटॉमिक स्पीशीज में होता है. मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना दो सेम स्पीशीज के बीच में होना चाहिए. ऐसा क्यों? जैसे अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल लें क्लोरीन मॉलिक्यूल में, तो यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम एटम है, तो इस बने हुए पैर पर जितना फोर्स ये एटम लगाएगा, उतना ही ये एटम लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम है. यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, तो बहुत तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो हमने अभी पढ़े. तो बेसिकली यहाँ पर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही स्पीशीज होमो मतलब सेम है, तो इनके थ्रू लगाया गया फोर्स बॉन्ड पर सेम होगा, राइट? तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा बीच में से, तो वो एग्जैक्टली बराबरी से टूटेगा. यानी कि ना तो पूरा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस एटम को बिलोंग करेंगे, ना ही इस एटम को बिलोंग करेंगे. यूजुअली तो ऐसी स्पीशीज बहुत स्टेबल होती हैं, क्योंकि इनके बीच में दोनों ही स्पीशीज जिनके बीच में बॉन्ड बना है वो सेम है, तो यहाँ पर कोई थॉट ऑफ डिफरेंस ओपिनियन नहीं है, या फिर कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है, क्योंकि दोनों ही बराबरी के एटम्स हैं. दोनों के द्वारा लगाई गई जो फोर्स है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, वो सेम है, तो जिसके कारण यहाँ पर कोई भी अलग सिचुएशन देखने को नहीं मिलती. तो इस बॉन्ड को नेचुरली नहीं तोड़ सकते हम. यहाँ हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, या वो टेम्परेचर हो सकता है कि हम हाई टेम्परेचर दे दें स्पीशीज को, तभी ये बॉन्ड टूटेगा. क्योंकि यूजुअली नॉर्मल सिचुएशंस में ये एक सैचुरेटेड बॉन्ड है, जो दो सेम नेचर के लोगों के बीच में बना हुआ है. तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बराबरी से, बराबरी मतलब 50%, दो में से 50% इसके पास, मतलब
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दो हैं तो एक एक क्लोरीन के पास चला जाएगा और दूसरा दूसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा। मतलब इन दोनों स्पीशीज ने जो जो इलेक्ट्रॉन अपना एक एक रखकर ये बॉन्ड बनाया था, वो दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस विड्रॉ करके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और ऐसी ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को, ये एक्चुअली बहुत हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इस पे एक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है और उसी को हम इस डॉट से दिखाते हैं। सो बेसिकली होमोलिटिक फिजन से क्या जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो होमोलिटिक फिजन का मेन नेचर ये है कि जब भी होमोलिटिक फिजन होता है उसमें इन्वॉल्व दोनों स्पीशीज, जैसे ये एग्जांपल देखें, ये एक एल्केन है, इथेन मॉलिक्यूल, इसमें भी सैचुरेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बना है, दोनों ही स्पीशीज सेम है, तो यहाँ भी दोनों ही फ्री रेडिकल्स कैसे बने हैं, सेम, और दोनों ने ही अपना बॉन्डेड एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री रेडिकल बनाया हुआ है। तो होमोलिटिक फिजन के होने के लिए दो सिचुएशन जरूरी है, वो हमेशा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड में होता है और दूसरा ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दिखाई देता है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, हमेशा होमो एटम्स के बीच में, यानी कोई डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना होने के कारण दोनों ही एलिमेंट्स उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबरी का फोर्स लगाकर खींचते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि होमोलिटिक फिजन कोवेलेंट बॉन्ड का जब भी होगा वो क्या जनरेट करेगा, वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसे फ्री रेडिकल कहते हैं जनरेट करेगा। होमोलिटिक फिजन इज शोन बाय हाफ एरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ एरो, दिस एरो इज आल्सो कॉल्ड एज फिश हुक एरो। सो बेसिकली फिश हुक एरो मीन्स इस तरीके का हुक फिशिंग में यूज होता है मछलियां पकड़ने के लिए। तो बेसिकली इसमें आगे की तरफ सिर्फ एक हैंड होता है, राइट, मतलब पूरा फुल एरो नहीं है। जैसे फुल एरो हम ऐसे बनाते हैं तो इसमें कोई भी एक हैंड हम सिर्फ नहीं बनाएंगे, या ये कह सकते हैं सिर्फ एक हैंड ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज फिश हुक एरो और ये डिनोट करता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को। जो कंप्लीट एरो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिनोट करता है, जबकि हाफ एरो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिनोट करता है। तो जब भी हम होमोलिटिक फिजन को एरोस के टर्म्स में दिखाएंगे तो हम ये कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर गया और एक इस पर गया, मींस 50-50% डिविजन हुआ, राइट। तो 50% डिविजन और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसीलिए एरो कैसा बनेगा होमोलिटिक फिजन में, हाफ एरो या इनकम्प्लीट एरो, या प्रॉपर वर्ड्स में उसे फिश हुक एरो भी कहते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, राइट, होमो का जस्ट अपोजिट, होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो यहां पर डिफरेंट तरीके से फिजन होता है और इस फिजन में भी दो कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है तो पोलैरिटी कार्बन की तरफ या कार्बन से अपोजिट तरफ अलग होने पर दो अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, जिसमें एक केस में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे केस में कार्बो एनायन बनता है। तो अगर हम इसे डिटेल में डिस्कस करें तो बेसिकली हेट्रोलिटिक फिजन में अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है बेसिकली, और कार्बन से जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे इस एग्जांपल में क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3 और कार्बन की होती है 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, आई कैन से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि बनाया तो दोनों ने बॉन्ड था शेयरिंग के लिए, कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ से था और इस क्लोरीन की तरफ से, और इन्होंने इसे बीच में रखा था कि हम इसे शेयर करके अपना अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, मगर क्योंकि क्लोरीन के को ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इस समझौते के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा और इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिसका
डालेगा, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में, कि ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। सो बेसिकली जब भी हिड्रोलिटिक फिजन होगा और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो उस स्पीशीज को कार्बोकेटायन कहेंगे, राइट। सी वन मोर एग्जाम्पल, ये 1 डिग्री सिचुएशन थी या मिथाइल सिचुएशन है, इट्स नॉट 1 डिग्री, इट्स अ मिथाइल सिचुएशन। यहाँ देखें एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, राइट। यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सेम सिचुएशन है जो यहाँ थी कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड। यहाँ भी देखिए ये कार्बन बाकी 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 बॉन्ड तो स्टेबल रहेंगे, लेकिन ये वाले बॉन्ड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण सेम वही एक्सप्लेनेशन है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होके चले जाएंगे, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है और कार्बन की 2.5। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होने के कारण वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ सरका लेगा और कार्बन पर क्या डेवलप होगा, प्लस चार्ज। तो बेसिकली जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाते हैं और कार्बन पर प्लस चार्ज आता है तो बनता है हिड्रोलिटिक फिजन की वजह से कार्बोकेटायन। इसी केस का जस्ट अपोजिट भी पॉसिबल है। मान लीजिए कि कार्बन से कोई कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, तो अब वो क्या करेगा, जो यहाँ उसके साथ धोखा हुआ क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग गया, अब वो क्या करेगा, इस चीज को कंपनसेट कर लेगा। सो बेसिकली अगर लिथियम बॉन्डेड है सपोज कार्बन से, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कार्बन से बहुत कम होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर 2.5 है, तो लिथियम इसेंशियली मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सिर्फ 0.9 होती है। तो वो क्या करेगा, वो किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को खींच नहीं सकता। यहाँ कार्बन उल्टा इफेक्ट दिखाएगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ सरका लेगा और कार्बन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लिथियम अक्वायर करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली जो सिचुएशन हिड्रोलिटिक फिजन की हमने यहाँ देखी, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ हुआ। तो इसका मतलब हमें यह समझ आता है कि हिड्रोलिटिक फिजन 2 अलग-अलग तरीके का होता है। एक बार जब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे बॉन्डेड हो और वो इलेक्ट्रॉन्स ले जाए, कार्बन पर प्लस चार्ज आए और कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोकेटायन में। और दूसरा केस आता है इसका जस्ट अपोजिट, कि जब कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और उस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाए इलेक्ट्रॉन्स के कार्बन के थ्रू अपनी तरफ खींच लिए जाने से, तो बनेगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, जिसका मतलब क्या हुआ, कार्ब एनायन स्पीशीज। सो बेसिकली हिड्रोलिटिक फिजन में 2 अलग चार्ज स्पीशीज, या हम कह सकते हैं आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और वो 2 आयंस है कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजन इन कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल कार्बोकेटायंस, कार्बो एनायंस एंड फ्री रेडिकल्स। थैंक यू सो मच।